गाइस, वेलकम बैक टू रिलायबल मोटर्स। और आज हमारे सामने खड़ी है बजाज सुपर मेजर, 1989 का मॉडल है और इसे मॉडिफाई किया है हमारे ही भाई ने। तो आज हम इसके बारे में पूरी डिटेल जानेंगे कि इसे कितना खर्चा है, कितना माइलेज देती है और इसे मेंटेनेंस कितना जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे, आपको छोटा सा इंट्रो दे दूँगी। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ शेख इकबाल है, मैं यावल शहर जिला जलगांव से हूँ। सबसे पहला आपको क्वेश्चन कि आपने ये गाड़ी कब बनाई? मैंने ये गाड़ी लगभग अभी से एक महीना हो गया। अच्छा, और ये गाड़ी जब ली थी आपने तो यानी का किसी के पास थी ओनर की या कबाड़ वगैरह में थी, जैसा कि आप बोल रहे थे? जैसे ये तो ओनर जो था हाँ, वो कबाड़ में देने जा रहा था। अच्छा, और इसे मेरे पापा ने ले लिया। अच्छा, बोला मैं रखता हूँ इसे। कितने में ली थी आपने गाड़ी? ये गाड़ी लगभग 2500 रुपये में ली। 2500 रुपये में, यानी कि 2500 रुपये में गाड़ी ली है। और लेने के बाद में इसको ऐसा कब ख्याल आया कि इसमें हमें मॉडिफिकेशन करना चाहिए? पापा ने बोला कि बेटा ओल्ड इज गोल्ड। यस, तो इसके लिए मैंने सोचा कि जब पापा की जिद है तो कर ही लेते। अच्छा, और इसको जो डेंटिंग वगैरह इसका रिपेंट वगैरह आपने कहीं गराज में किया या आपने सेल्फ किया? नहीं, ये चीज़ मैंने खुद घर पर ही किया। अच्छा, ये पूरा गाड़ी को पेंट आपने किया? हाँ। अच्छा, और इसके स्पेयर पार्ट वगैरह अवेलेबल थे जब आप मार्केट गए तो? अभी मार्केट में मैं जब घुमा, अच्छा, तो इसका स्पेयर पार्ट मुझे मिलना मुश्किल था वो। अच्छा, मैं बहुत घुमा, भूताल गया, अपने यावल में भी देखा लेकिन नहीं मिला। इसके लिए फिर मैं एक सोचा कि एक कबाड़ खाना ये सही हो सकता है। अच्छा, यहाँ पर हर चीज़ मिल सकती है। अच्छा, ओल्ड से ओल्ड सब वही मिलता है। तो इसमें कौन सी पार्ट ऐसा है जिसमें ढूंढने में, जिसको मिलने में काफ़ी दुश्वारी आई आपको? मुझे जैसे देखो ये अगला मडगार्ड है। अच्छा, और ये ड्रम वगैरह आगे का ये पूरा जानता हूँ उसको। ओके, ये मडगार्ड मैं शॉप पर देखने गया था तो उसने मुझे एक लिस्ट बताया, लिस्ट में उसकी कीमत थी मिनिमम 1000 रुपये। 1000? हाँ। अच्छा, तो इसी को मैं फिर जब कबाड़ में गया तो कबाड़ में जाने के बाद मुझे यही मडगार्ड 100 रुपये में मिला और एक प्लस में एक डिक्की पड़का। अच्छा, ये यहाँ पे जो लगा हुआ है? हाँ, ये भी साथ में 100 रुपये में? 100 रुपये में सब मिली। अच्छा, उसके बाद में इसका जब आपने ली थी तो गाड़ी में कुछ मेंटेनेंस वगैरह था कि आपने बाद में? मेंटेनेंस तो ज़्यादा कुछ ही नहीं था, सिर्फ क्लच वायरिंग, ब्रेक वायरिंग और अपना गियर वायरिंग। अच्छा, बस इतना ही था, बाकी इंजन पूरा माशाल्लाह। अच्छा, और दूसरी बात ये कि इसका मेंटेनेंस वगैरह अभी हो जाता है? मेंटेनेंस तो हो जाता है लेकिन अभी इसको जीरो मेंटेनेंस है बजाज मेजर को। हाँ। अच्छा, यानी गाड़ी पुरानी होने के बाद मैकेनिकल खुद भी इसे बताते हैं कि जैसे अगर ये गाड़ी एक बार यहाँ से ठीक होकर गई तो सालों तक के नहीं आती। क्या बात है, यानी ये गाड़ी का जो पिछली गाड़ियाँ थी उनमें मेंटेनेंस, ये बात तो है कि बजाज जो है तो एक रिलायबल नाम है और उसके साथ साथ जो इसमें गाड़ी में मेंटेनेंस हुआ करता था पहले, सच में इतना मेंटेनेंस नहीं होता था। और आज भी कई गाड़ियां हम दिल्ली वगैरह में, गाड़ियां पंजाब में देखने के लिए मिलती है। और आज जो आपकी गाड़ी है इसका रोड प्रेजेंट कैसा है, यानी जब आप रास्ते पे लेके चलते हो तो लोग रुकाते आपको पूछते? लोग रुका के पूछते कि इतना ओल्ड मॉडल तू कहाँ से लेके आए? अच्छा, यहाँ तक कि पुलिस वाले तक के पूछते हैं उनसे। अच्छा, अभी इस पे नंबर प्लेट नहीं है फिर भी वो कुछ ऐसा दिक्कत नहीं आती, यानी इस पे नंबर वगैरह है क्या? नंबर है इसका। अच्छा, MH19TT3355 है। अच्छा, इसका नंबर भी है यहाँ? हाँ। और पुलिस वाले भी पूछते हैं? हाँ। ऐसा कभी किसी ने टेस्ट ड्राइव मांगा है आपसे तो चलाने के लिए? पुलिस वाले ने खुद लिया है। अच्छा, तो मुझे तो लगा था गाड़ी जमा कर लेंगे इतना ओल्ड मॉडल वो देख कर खुश हो गए कि तू इतनी पुरानी चीज को वापस से ये दौर में ले आए। यस, और काफी दिखने में लुक वाइज तो काफी बढ़िया है गाड़ी सच में। और इसका माइलेज वगैरह कितना है आपने टेस्ट किया? माइलेज है मिनिमम 60 से 65 किलोमीटर। 60 से 65 का एवरेज ये देती है। आज जो है हमारी स्प्लेंडर बोलो, उसके बाद में प्लेटिना भी अब उतने एवरेज में आ जाती है माइलेज अगर टेस्ट करने जाए, और प्लस ऊपर से 112 रुपये पेट्रोल, तो काफ़ी फुर्ती है गाड़ी। और दूसरी बात में यहाँ पे ये पीछे में एक देख रहा हूँ, आप इधर से आके दिखाओ इसे, यहाँ पे जो रियर में इसका टेल लैम्प है तो काफ़ी हॉरर लग रहा है। ये कहाँ से मंगाया आपने? ये मैंने ऑनलाइन से ऑर्डर किया था। ऑनलाइन मंगाया था? मिनिमम 600 रुपये। अच्छा, 600 रुपये में आ गया था। हाँ। काफ़ी अच्छा लुक आ गया है इससे, और ये ग्रीन और वाइट कलर इसको काफ़ी अट्रैक्ट कर रहे हैं। हाँ। लाइट ग्रीन है ना ये?
लाइट ग्रीन। यस। और आगे से अगर लुक मैं दिखाऊँ आपको, तो देखिए आप यहाँ पे अगर आप इसके टायर्स देखेंगे तो बिल्कुल ये जो टायर है ये जो ब्लैक ब्लैक शेड में और यहाँ पे वाइट शेड दिया है, तो जो भी आप वेंटेज गाड़ियाँ देखोगे ना तो उसके टायर जो होते हैं आपको वाइट ही मिलेंगे। तो ये आपने ये चीज़ को भी नोटिस कर दिया, उसको वाइट रखा है जिससे उसका लुक आ गया है। और इसमें लाइटिंग वगैरह कैसी है? इसमें लाइट वगैरह ये लगाया मैंने। अच्छा, ये तो रात में दिखेगा आपको, जैसे ये सप्लाई दिया है यहाँ से। अच्छा, मतलब हेडलाइट से इसको सप्लाई देकर। अच्छा। नीचे पूरा घुमाया है, यानी जैसे हेडलाइट ऑन करेंगे हम वैसे। अभी और क्या मॉडिफिकेशन बाकी है इसमें? अभी इसमें बाकी है मतलब थोड़ा लाइटिंग का लुक बाकी है। अच्छा, और अपना नंबर प्लेट वगैरह थोड़ा रेडी आया। अच्छा, उसके बाद में और अभी पीछे वगैरह आप स्टेपनी वगैरह आपने लगाई नहीं इसमें? नहीं, स्टेपनी मैं इसलिए नहीं लगाया कि वापस से ओल्ड मॉडल लगेंगे। अच्छा, ओल्ड लगेंगे इसके लिए, क्योंकि अभी नए लुक के हिसाब से मैंने स्टेपनी को हटा दिया है। सीट वगैरह इसकी कंफर्टेबल है अभी? इसकी सीट तो कंफर्टेबल, आप देख सकते हो। अच्छा, शॉकर भी इसके काफ़ी बढ़िया। तो इस सीट वगैरह में भी आप कुछ चेंजेस करने वाले हो या कुछ आगे जो चेंजेस करने वाले हैं आप इसमें? आगे मैं 3 महीने बाद इसे पूरी फ्रंट सीट मतलब कंबाइन कर लेंगे। अच्छा, और ये पीछे का ये स्टेपनी वगैरह का ये सब निकल जाएंगे यहाँ से, और यानी इसको और अच्छा लुक आ जाएंगे। और ये गेटअप अच्छा दिखेगा उसको पूरा ये राउंड शेप में। हाँ, एक बदक की माफी गाड़ी पीछे से लुक देगी, यानी जो बदक होती है सच में वैसा रियर से नज़र आती है। और काफ़ी इसका रोड प्रेजेंस वगैरह काफ़ी अच्छा है, और अभी तो पूरी तरीके से मॉडिफाई नहीं हुई। हम हमारे गांव आए थे और हमारे बड़े वाले भाई है ये, तो फिर हमने सोचा कि इससे एक वीडियो ज़रूर बनाई जाए, और काफ़ी अच्छा लुक आता है इसका। तो चलिए हम इसका एक बार टेस्ट ड्राइव लेके देखते हैं, यानी राइड लेके देखते हैं। काफ़ी हैवी है ये, इसका वन साइड वजन हो गया। काफ़ी मस्त चलने में तो बहुत अच्छी है, पहले जैसे एकदम स्मूथ है बिल्कुल। ब्रेकिंग इसका थोड़ा अच्छा, दो ब्रेक है इसको। मैं फर्स्ट ब्रेक यानी फ्रंट ब्रेक इस्तेमाल कर रहा था इसके लिए, इसका ब्रेकिंग फर्स्ट इसका कुछ अच्छा नहीं, लेकिन रियर काफ़ी बढ़िया है इसका। रियर जैसे ही मैंने प्रेस किया वैसे ही गाड़ी रुक गई। ब्रेक के माफिक वो लगता है ब्रेक। अच्छा, काफ़ी बढ़िया बनाई आपने, यानी पूरा इसको टोटल खर्च कितना है अभी तक? तो मिनिमम यानी पेंट वगैरह आपने किया था, तो पेंट वगैरह करने में कितना खर्च गया आपको? पेंट करने में मुझे इसको 3000 रुपये लगा। अच्छा, 3000 रुपये में पेंट हो गई है। हाँ, उसके बाद में अदर जो मेंटेनेंस वगैरह है? मेंटेनेंस तो इसको कुछ भी नहीं था। अच्छा, जैसे पापा ने गाड़ी ली थी बस उसी टाइप में उसको रखा है। अच्छा, इंजन का कुछ भी काम नहीं किया कुछ भी। यानी टोटल अमाउंट यानी जैसे 2500 रुपये में आपने गाड़ी ली, 3000 रुपये ऐसे मिला कि ये तो 7000 रुपये में बन गई हमारी बजाज मेजर, और काफ़ी बढ़िया लुक के साथ में यहाँ पे रोड पे इन्होंने प्रेजेंट किया है इसको। और काफ़ी लोग जो पुराने हमारे जो एजेड पर्सन हैं आज भी इसको देख के खुश हो जाते होंगे। डॉक्टर तक की गाड़ी को मांगे। अच्छा, तो मुझे गाड़ी तो क्या प्राइस वगैरह आपने, आपका प्लान है ऐसा? नहीं, मेरा तो ऐसा कुछ बेचने का प्लान नहीं है, लेकिन आगे चल के फ्यूचर में अगर कोई गाड़ी मिलती है तो मैं उनको कलेक्ट करके दे सकता हूँ। अच्छा, आपको अभी मैं आपको बताता हूँ कि नेक्स्ट एक गाड़ी आप हमारे लिए भी ऐसी बना के दीजिए इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह ऐसी एक गाड़ी हम हमारे लिए भी बनाएंगे भाई से ही। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे यूट्यूब चैनल रिलायबल मोटर ड्राइविंग स्कूल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दें।